अस्सलाम वालेकुम। तो यह है सोए की भाजी और आज की मेरी रेसिपी है ग्रीन ग्रीन सोए की भाजी और टिप्स कि यह भाजी खाने के वो किसको फ़ायदा होता है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। तो मैंने भाजी को अच्छे से साफ करके काट लिए, आलू है और ये अदरक, लीली मिर्ची और लहसुन, खूब सारा लहसुन डालना है इसमें। और चलो भाजी को अच्छे वॉश कर लेती हूँ। भाजी में बहुत मिट्टी होती है तो अच्छे से वॉश कर लेना। तो मैंने आपको मसाला बता दिया, तेल को गर्म होने रख दिया और बिस्मिल्लाह बोल के मैंने मसाले तेल में डाल दिए, गर्म तेल में मसाले डाल दिए। और बस अब इसमें डालिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के आलू जो मैंने काट के रखे हुए हैं अच्छे से, और आलू को अच्छे से तेल में चला लेने, गर्म तेल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेने, तो ये करारे आलू हो जाएंगे आपके। और भाजी के साथ आलू खाने में बहुत मज़ा आती है। और बिस्मिल्लाह बोल के नमक स्वाद अनुसार और चुटकी भर हल्दी, क्योंकि मेरे पास एक ही जुड़ी भाजी है बहुत थोड़ी सी और बस एक आलू है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। एक जुड़ी भाजी और एक जुड़ी आलू की मैं थोड़ी सी रेसिपी बनाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करके इसको पाँच मिनट लो टू मीडियम गैस पे रखना है, 5 मिनट। तब तक आपके आलू अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़े से गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं आलू को। 5 मिनट हो चुकी है और अब 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देखते हैं क्या आलम है। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। बस आलू इस तरह से मेरे को चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ना कच्चे ना बहुत ज़्यादा गले ले, ज़्यादा नहीं गलाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के इसमें मैं सोए की भाजी ना डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाह बोल के हमेशा खाना बनाना चाहिए। तो बस भाजी के ऊपर थोड़ा सा नमक, आप सबको पता है जो मेरी पुरानी रेसिपी देखते हैं उनको, कि भाजी में नमक डालो तो बहुत टेस्टी भाजी बनती है और ग्रीनरी बरकरार रहती है। अगर ऊपर से नमक डालेंगे भाजी में नमक का भी टेस्ट आएगा और ग्रीनरी भी प्लस बरकरार रहेगी। और भाजी डाल के मैंने गैस की फ्लेम को कर दिए एकदम फास्ट, ये ग्रीन भाजी का रहस्य है। अगर आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम भाजी डाल के करेंगे तो आपकी भाजी काली पीली किसी भी कलर की बन सकती है। अगर आप चाहते हो ग्रीनरी तो बस यही है टिप कि आप ये ग्रीन भाजी बनाना चाहते हो तो गैस की फ्लेम को कर दो फास्ट और फास्ट गैस पे थोड़ी सी इसको अच्छे से चला दो थोड़ी देर के लिए। अभी इसको मैं थोड़ी देर बाद में गैस की फ्लेम को भी कर दूँगी 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम, है ना। अब कर देनी है लो टू मीडियम क्योंकि भाजी की ग्रीनरी मैंने लो कर दी है। अब 5 मिनट के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हो चुकी है 5 मिनट, भाजी ने देखो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, है ना। भाजी अच्छे से बन चुकी है, भाजी ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब आपकी भाजी बन चुकी है। और ये भाजी एक दवाई का भी काम करती है। अगर देखो ये कितना अच्छा सा तेल आ रहा है ना भाजी ने, भाजी को बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। और छोटू सा ब्रेक लेते हैं, चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये मेरे को खाना नहीं बनाने देती है, बहुत हैरान करती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो कुछ इस तरह से भाजी ग्रीन ग्रीन, अभी मेरी भाजी पूरी तरह से बन के तैयार है। आलू गल गए हैं, भाजी गल गई है और देखो खूब सारा लहसुन है। तो ग्रीन और येलो के कौन ऐसी भाजी बनाते हैं, कौन कौन इस तरह से भाजी बनाते हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके मेरे को बताना। और आपकी येल्लो और ग्रीन भाजी बनती है कि नहीं वो भी कमेंट करना मेरे को। और भाजी बन गई है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद। अरे रुको रुको, टिप्स तो देना ही भूल गई मैं। देखो ये तेल निकल आया है, भाजी में तेल आया मतलब भाजी बिल्कुल कंप्लीट रेडी है। और हाँ, मैंने भाजी को डिस आउट कर लिया है। जो टिप्स देने की थी वो ये है, अगर कोई लेडीज़ यानी जो भी लेडीज़ दूध पिलाती है अपने बेबी को, फीडिंग कराती है, उसको चाहिए कैसी घी में लप लप रोटी यानी खूब सारा चोखा घी लगावे और ये भाजी खावे, तो उसको बहुत दूध आता है, दूध आता है, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, दूध ज़्यादा आता है। अगर दूध पिलाती ममास ये भाजी खाएगी सोया की, तो उसको बहुत ज़्यादा दूध अच्छी मात्रा में आता है। अल्लाह हाफिज़।